students, we are here with new chapter, that is metal and non-metal. Okay, this is the fourth chapter in your science book. Okay, so let's start this chapter. In this chapter, before discussing about metal and non-metals, we would like to know about atom, elements. Okay, after that we will discuss about metal and non-metal. Okay, so what is element? Okay, that it is a substance that is made entirely from one type of atom. Okay, ये एक ऐसा substance है जो कि complete एक ही type के atom से बना होता है. Okay, ये एक इस substance को क्या कहते हैं? Element कहते हैं. It cannot be break down into simpler substance by chemical reactions. अगर इसको chemical react हम करें तो ये क्या होता है? Simpler substance में नहीं बटेगा. Okay? क्योंकि ये small unit होता है element का. Okay? अब देखिए, तो ये क्या है कि entirely one type of atom. अब देखिए तो atom क्या होता है? तो atom जो है obviously element से भी छोटा होगा. ठीक है, एटम के बारे में तो क्या जानेंगे? तो एटम इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. ठीक है, तो सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. एटम को क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट. तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बने होते हैं. ठीक है, तो अब एलिमेंट्स के को हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं? ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम लोग बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज मेटल एंड सेकंड वन इज नॉन मेटल. तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते होंगे, प्रीवियस क्लास में भी आप लोग बेसिक नॉलेज लिए होंगे मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है मेटल. सबसे पहले तो अ सबस्टांस दैट इज यूजुअली हार्ड एंड शाइनी. ओके, एक ऐसा सबस्टांस जो हार्ड होता है, ठीक है, और उसमें चमक होती है उस सबस्टांस में. ठीक है, अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. और उस सबस्टांस में क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करने का भी कैपेसिटी होता है. ठीक है, इट कैन अलाउ हीट टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर है. ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? आयरन आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम. ओके, बेसिकली क्या है कि मेटल जो है बहुत हार्ड होता है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी है एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये मेटल ज्यादा हार्ड भी होते हैं, इसको हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं. ठीक है, तो ये यूजली हार्ड मेटल नहीं है. ओके, तो नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा? नॉन मेटल अ सबस्टांस ऑफ मेटेरियल दैट डज नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ठीक है, तो ऐसे सबस्टांस को कहेंगे जिसमें मेटल का प्रॉपर्टी नहीं होता है. मेटल का प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि वो हार्ड नहीं होता. ठीक है, एक्सेप्शन में कुछ जैसे डायमंड हो गया, कार्बन हो गया, ये हार्ड होते हैं, बट जनरली जितने भी नॉन मेटल्स है वो हार्ड नहीं होते लाइक मेटल. मेटल की तरह वो हार्ड नहीं होते. ओके, एंड और क्या होता है इसमें कि वो और भी प्रॉपर्टी, जैसे कि मेटल में शाइनी होती है, डक्टिलिटी होती है, मैलेबिलिटी होती है, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें नहीं पाई जाती. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कोल हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के बारे में जो हम जानेंगे तो वो मेटल का फिजिकली प्रॉपर्टीज मुश्किल बेसिकली छह टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है इसमें. ठीक है, जिससे जो अगर किसी भी एलिमेंट्स में पाया जाए तो हम कह सकते हैं दिस एलिमेंट इज मेटल. ओके, तो छह प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहला मैलेबिलिटी. आप समझिए मैलेबिलिटी क्या है. तो मैलेबिलिटी इज ए प्रोसेस. ओके, नहीं, मैलेबिलिटी इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स in which if we beat metal it can convert into a thin sheet. okay, malleability एक property है metal का, जिसको अगर हम beat करते हैं तो क्या होगा? वो thin sheet में क्या करेगा? उस metal को convert कर देगा, यानी कि beat करने पर वो thin sheet बना देगा. ठीक है, एक चादर बना देगा. जैसे कि आप लोग अक्सर देखते होंगे
स्वीट्स में वो सिल्वर प्लेटेड स्वीट्स होता है, सिल्वर्स का कवर उस पर लगाया जाता है, ठीक है। तो वो सब जो सिल्वर्स कवर जो लगाए जाते हैं ना, वो मैनिपुलेटिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको बिट करके प्लेन करते हैं, यानी कि चादर एक बनाते हैं उसका, ठीक है। तो मैनिपुलेटिंग में क्या लिखोगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच आप मेटल्स कैन बी बिट एंड गेट कन्वर्टेड इंटू थिन सीट, ओके। या आफ्टर बिटिंग ऑफ मेटल द इट कन्वर्ट इट गेट कन्वर्टेड इंटू अ थिन सीट, ओके। तो ये मेलिबिलिटी का प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या हो जाएगा कि मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो इट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, तो ये हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी में, ठीक है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थीन वायर मतलब कि उसको थीन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जनरली जैसे सिल्वर्स को हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको एल्यूमिनियम को थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डक्टिलिटी का प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस इन विच ऑफ मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन वायर, ठीक। नेक्स्ट है लस्चर। लस्चर क्या होता है, तो लस्टर नहीं, नो नो नो, डक्टिलिटी नहीं, सोनोरस है। सोनोरस क्या है, सोनोरस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच व्हेन वी बीट अ मेटल्स इट साउंड्स इट प्रोड्यूस अस रिंगिंग साउंड, ओके। तो क्या होगा सोनोरस में, व्हेन वी बीट, जब हम मेटल मेटल पर बीट करेंगे तो क्या होगा, ये एक रिंगिंग साउंड यानी कि एक रिंग की तरह साउंड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, मेटल का प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है लस्चर, ठीक है, चमकीला। मेटल जो है चमकीला होता है, ठीक है, इसमें चमक होती है, ठीक है, वही जबकि नॉन मेटल में ये चमक नहीं होती, ओके। नेक्स्ट है हार्डनेस। मेटल इज हार्ड इन नेचर। मेटल क्या है, हार्ड होता है, उसको हम लोग नाइफ से काटना चाहे, चाकू से, कैंची से, इससे तो नहीं कटेगा वो, ओके। लेकिन कुछ एक्सेप्शन मेटल जैसे कि मैंने बताया आपको सोडियम और पोटेशियम है, जो क्या मेटल, ये इस टाइप के मेटल है जो कि नाइफ से कट जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ओके। मेलियबिलिटी मतलब मेटल कैन बी कन्वर्टेड इंटू थिन शीट्स आफ्टर बिटिंग, ओके। कंडक्टिविटी मतलब इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। डक्टिलिटी मतलब इट कैन